तो श्री ध्रुवदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए, वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए, वृंदावन धाम की स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए, कोटि कोटि बार वृंदावन को प्रणाम करते हुए, अनेक अनेक बार वृंदावन की बलिहारी लेते हुए, कई कई बार सुमधुर चित्त से, स्नेहिल चित्त से वृंदावन का स्मरण करते हुए और अनंत अनंत बार मन बुद्धि से वृंदावन का चिंतन करते हुए प्रयास करिएगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, प्रथम वाक्य की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, ये मनुष्य का तन, ये वृंदावन और वृंदावन की छाया में, वृंदावन के आश्रय में, वृंदावन की ये चर्चा, वृंदावन की सीमा में क्रीड़ा करते हित दंपति की चर्चा, नख से लेकर शिख तक बहता वो रूप रस, रूप का अजस्त्र प्रवाह, ये भाव की मंदाकिनी, ये दुर्लभ है। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। श्री जी ने कृपा करके, रसिकों पर कृपा हुई, रसिक हृदयों पर कृपा हुई, श्री जी ने किसी को निमित्त बनाकर हमको ये 5 दिन प्रदान कर दिए कि वृंदावन की इस शीतल संतम छाया में बैठकर। ध्रुवदास जी ने कहा इस लीला में कि सिंधु ना सीप समात, मैं क्या कह सकता हूं, क्या कहूंगा, क्या कह पाऊंगा, या मन के अवलंब हित कीनो आहि उपाय। मैंने तो केवल अपने मन को अवलंबन देने के लिए, अच्छा आपको एक विचित्र सी बात बताऊं, प्रेमी के पास करने को भजन तो होता नहीं, प्रेमी भजन नहीं कर सकता, हाथ में माला लिए, मेरुदंड सीधा किए, भ्रिगुटी के मध्य में ध्यान धरे, माला कर रहा है, मंत्र का जप कर रहा है, इष्ट का ध्यान कर रहा है, ये प्रेमी के बस की बात नहीं है। वहां तो एक और माला और एक और पोथी, एक और माला और एक और पोथी, प्रेमी के बस की बात नहीं है। तो प्रेमी करे क्या, प्रेमी करे क्या, किसी ने कहा है अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गए अब क्या करें, बोले वो भी मिल गए अब और क्या करने को बचा। हम ही तो गाते हैं वृंदावन रज पायली सो पाए वो कहा रहे हो, और अलक लड़ैती ध्यायली सो ध्याय वो कहा रहे हो, तो अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गए अब क्या करें। आखिर कुछ तो करेंगे, मन को करने के लिए, तन को लगने के लिए कोई ठौर ठिकाना तो चाहिए। तो कहते हैं हल्की हल्की बारिशें होती रहें और बस देर तक बैठे उन्हें सोचा करें। वृंदावन को चिंतवन, ध्रुवदास जी यही आज्ञा देते हैं, यह दीप उर्वा कोटि जन्म के तम अघही काटि करे उजियार। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हो सके ऐसे तो आप सबकी अनुकूलता है, पर हो सके तो इस बार मेरा पूरा पूरा प्रयास है कि किंचित भी अपनी पंडिताई का प्रदर्शन ना करते हुए, नेक भी अपनी विद्वत्ता ना झाड़ते हुए, हम लोग आरंभ से लेकर विश्राम तक इस वाणी में निमज्जन करने का ही प्रयास करेंगे। सच्ची बात आपसे कहूं, बहुत महीने हो गए भैया संसार की गलियों में भटक भटक कर, कथा कहानी सुनाते सुनाते अवसर दिया है मुझे श्री जी ने कि कुछ दिन यहां उनके श्री चरणों की छाया में बैठकर ये प्रेम का गीत गुनगुनाना है। इस रेजुविनेशन फॉर मी, इसी भाव से मेरे साथ सम्मिलित होना, इस भाव के प्रवाह में प्रवाहित होने का, बह जाने का प्रयास करना,
श्री जी कृपा करें आपको अनुकूलता हो तो आज इस वाणी का मेरे साथ आरंभ करना और चारों दिन इस प्रवाह में प्रवाहित होते हुए इस चर्चा और चिंतन के साथ विश्राम लेना। विश्राम कहां मिले इसकी चार दिन प्रतीक्षा करना। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे कुछ कह देने से रस में बिरस हो जाएगा, क्योंकि मैं जो कहूंगा अपूर्ण बुद्धि से कहूंगा। केवल इस प्रवाह में प्रवाहित होना, देखना यह प्रवाह आपको कहां ले जाता है। वाणी सबके पास में है? नहीं हो तो अड़ोसी पड़ोसी की मदद लेना। सर्वप्रथम वृंदावन का, वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर वृंदावन उरलेख। वृंदावन का नाम उच्चारण करिएगा। चलत फिरत सुनियत रहो, जहां राधा वल्लभ ला, ऐसे वृंदा विपिन बसत रहो सब काल। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन 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 वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन तो ध्रुवदास जी के स्वर में स्वर मिलाना, भाव में भाव मिलाना, और यहां के रसिकों की परिपाटी है। मैं कई बार कहा करता हूं कि वृंदावन में जो ये प्रेम गीत गाया जाता है, इस गीत का सम कहां है? कोई भी आवर्तन लेके सम पे आया जाता है ना, तो इस गीत का सम कहां है? मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। अच्छा आप गा लो, गाओ गाओ, अच्छा लग रहा है सुनने में, गाओ। श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, अब जैसे मैं गाऊं वैसे ही गाना, ठीक है? मेरे तो आधार राधा लाल के चरणार विंद, 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 श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। आनंद आ गया आपका कीर्तन सुन के, एक बार और सुना दीजिए।
बाबा मोते कह रहे हो हमको तो कछु आयो नहीं आनंद ना आयो बाबा आ रहे हो आ रहे हो नेक और आ रहे हो और गाओ यहां तो बस जाओ और बस इतना सीख जाओ नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। तो इस प्रेम गीत का सन है ये। कल मैं गिरिराज जी में कथा कह रहा था श्रीनाथ जी के मंदिर में, तो एक साधक थे उन्होंने मुझसे पूछा, बोले महाराज एक बात हमें समझ नहीं आती कि श्रीनाथ जी के नेत्र हमेशा झुके क्यों रहते हैं। आप लोगों ने ध्यान से दर्शन किया हो श्री ठाकुर जी का, तो श्रीनाथ जी की जो दृष्टि है वो नीचे है, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा बाबा पोथी पंडित की बात बताऊं कि सच्ची बात बताऊं? तो महाराज सच्ची बताओ, पोथी में तो लिखाऊ ना है, पोथी में तो ये बात लिखी भी नहीं। तो मैंने कहा देख बाबा, जब लाला ने गिरिराज उठायो तो सवरे ब्रजवासी आए गए, तो हमारी किशोरी जी भी पधारी। अब गिरिराज लाला पे उठना रहो, उठाया भी कैसे, बाएं हाथ से उठाया ना। जब गिरिराज लीला हो गई, इंद्र का मान मर्दन कर दिया श्री ठाकुर जी ने, तो ऐसे एक बार गोष्ठी हो रही थी आपकी हमारी हो रही जैसे, तो किसी ने कहा लाला बहुत जोर को काम क्यों तेने, तो गिरिराज उठाए दियो, सात दिन तू ठाड़ो रहे हो गिरिराज उठाए के। तो गोपियों ने कहा हमारो सबरो माखन खायो बाई को कमाल दी से। तो बरसाने की सखियों ने कहा हक किशोरी जी को कृपा कटाक्ष है, तू बढ़िया एक कृपा कटाक्ष बारी, कन्हैया ने उठायो गिरिराज, किशोरी जी को कृपा कटाक्ष कैसे आए गयो? बोले कौन से हाथ से उठायो? बोले बाएं हाथ से। बोले दाया हाथ न्योता पाए पे गयो? सबरे काम दाए हाथ ते किए जाए, बाएं ते क्यों उठायो? बामे तो वृषभानुजा, श्याम सुंदर की अर्धांगिनी है श्री राधा, तो जो वामांग है वो श्री किशोरी जी हैं। आप राधा वल्लभ लाल का युगल दर्शन करते हैं, देख सखी नवकुंज राधा लाल वनेरी। आप जब युगल दर्शन करते हैं तो दाई और पीठपट होता है, बाई और नीलांबर होता है, तो कौन कहता है गिरिराज कन्हैया ने उठाए? गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी के बल से उठाए। तो ये बात समझ नहीं आई, नहीं जची, नहीं मानी। देखने में भी यही आता है कि गिरिराज जी तो कन्हैया ने उठाए। तो हमने कहा लेकिन बाबा किशोरी जी ठाड़ी हती सन्मुख, जब ना उठ रहो लाला पे गिरिराज, तो कन्हैया ने दर्शन कियो किनको? किशोरी जी के चरणन को, श्री चरणन पे दृष्टि गई, श्री चरणारविंद की कृपा भई, श्री चरणारविंद सो प्रकटित बल मिलो कन्हैया को, सात दिन ठाड़ो रहो कन्हैया गिरिराज धारण के, पर दृष्टि किशोरी जी के चरणन पर रही, आज तक दृष्टि नीची है। श्री प्रिया जी के बल और रूप और प्रेम सो ओत प्रोत श्रीनाथ जी की छवि है, श्रीनाथ जी के नैनन में बस रही है श्री प्रिया जी के चरणन की छवि छटा। इसलिए मैंने कहा इस प्रेम गीत का सम है, यहां के रसिकों ने गा गा कर ध्याया है, और केवल ध्याया नहीं है पाया है। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, बस
ध्रुवदास जी के भाव में भाव मिलाते भय, स्वर में स्वर मिलाते भय, दृष्टि प्रिया जी के चरणों पर रखना, दृष्टि में राधा वल्लभ लाल के युगल चरण रहे बस। एक बार इस विधि से ये पंच दिवसीय अनुष्ठान मेरे साथ करके देखो, एक बार पांच दिन व्रती होकर, एकनिष्ठ होकर, भावनिष्ठ होकर, मन चित्त की समग्र समस्त वृत्तियों को समेटते हुए केवल ये वाणी के शब्द, ये स्वर, ये भाव, और आपकी दृष्टि में राधा वल्लभ लाल के चरण कमल मेरे कहे से, आप पांच दिन ये प्रयोग करके देखिए, आरंभ करते हैं ध्रुवदास जी के साथ में। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। मैंने कह तो दिया कि हम पूरी वाणी का चिंतन करेंगे, वो तो आरंभ होने पे पता चलेगा, बीच में भंवर पड़ा, डूब गए आप में सब। तो ध्रुवदास जी आरंभ करते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। कबीर कहते हैं लाली मेरे लाल की, और सबल रही समाए जू मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, घीव दूध में रम रया व्यापक सब ही ठौर, दादू बकता बहुत हैं मथि काढ़े ते और। दूध की एक एक बूंद में घी है, लेकिन दूध से घी तक की यात्रा के लिए एक बड़ा लंबा प्रयास है, प्रतीक्षा। दूध है फिर उसे औंटाया जाएगा, फिर थोड़ा सा जमावन लगा के उसे जमाया जाता है, दही जमने की प्रतीक्षा है, फिर बिलोया जाता है उसे, फिर जब माखन आता है फिर तपाया जाता है उसे, उसमें भी कुछ खोट है, एक और कर दिया जाता है। यदि आपको अपने भाव को स्थिर करना है, यदि जैसे माखन दो चार पांच दिन में बिगड़ जाता है, घी को आप बड़े लंबे काल तक सहेज कर रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तप गया है, रहा सा खोट भी निकल गया है। ऐसे ही आप अपने भाव को यदि कसौटी पर, भाव को यदि आप गुरुजनों की मर्यादा के अनुकूल अनुरूप तपाने को तैयार हो जाएंगे तो आपका भाव स्थिर रहेगा। तप गया यदि भाव, रहा सा खोट भी निकल जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार दूध की एक एक बिंदु में घी समाया है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया, एक प्रयास, परीक्षा है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना होता है, ठीक इसी प्रकार ये जो श्री हरिवंश नाम है कि नित्य विहार का बीज मंत्र है। ह अक्षर में हरि बसे रामे राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन सहचरी अभिराम। एक एक अक्षर जो है बीज मंत्र है, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। प्रत्येक नाम, प्रत्येक मंत्र, आज जहां से हमने अपनी चर्चा का आरंभ किया, प्रत्येक उपासना का एक प्रतिपाद्य तत्व है, प्रत्येक मंत्र का अपना एक देवता है, प्रत्येक वाणी का अपना एक वर्ण विषय है, प्रत्येक शास्त्र का, प्रत्येक पुराण का, उपनिषदों का, ब्रह्म उपनिषदों का प्रतिपाद्य तत्व है, भगवान का ऐश्वर्य ये शास्त्रों और पुराणों का वर्ण विषय है, भक्ति की प्रतिष्ठा ये श्रीमद् भागवत का, ये श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय है। ठीक उसी प्रकार प्रिया और प्रियतम का सहज प्रेम, प्रिया और प्रियतम का वो अमंद प्रेम,
प्रिया और प्रियतम का वो अनंत प्रेम, वृंदावन की सीमा में होने वाला ये नित्य विहार, जिसमें तहां न कब हूं लगत है महाप्रलय की पौन। और प्रलय केवल बाहरी नहीं होती, प्रलय भीतर भी होती है। साधक के जीवन में संशय आया तो माने प्रलय आई, संशय आत्मा विनश्यति। साधक अपने अपने आचार्य से भाव में विमुख हुआ तो माने प्रलय आई। लेकिन ये एक भाव भावना ऐसी है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती। भगवान ने अपने मुख से कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। कोई एक स्थिति ऐसी भी प्राप्तव्य है, कोई एक ऐसा भी गंतव्य है जहां आकर जीव फिर, जहां जाकर जीव फिर पुनः लौटता नहीं, माने वो अपने स्तर से गिरता नहीं, कहीं भी गिरने का भय है। महाप्रभु कह रहे हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। साधक को तो सदा सर्वदा सावधान रहना है। यहां अध्यात्म के मार्ग पर कोई प्राप्ति ऐसी नहीं है कि आप प्राप्त करके निश्चिंत हो जाएं। निश्चिंत कहने का अर्थ कि आप असावधान ना हो जाएं, सावधान रहिए। यहां पर कभी भी चूक हो सकती है, यहां कहीं भी भूल हो सकती है, त्रुटि की आशा है। क्यों? क्योंकि जीव उपासना में प्रणत है। आपका और मेरा स्वभाव है त्रुटि कर जाना, भूल जाना, भटक जाना, बिखर जाना। ये आपके मेरे स्वभाव में है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्रोधी व्यक्ति दिन में दो बार चार बार क्रोध कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वभाव है उसका। ठीक ऐसे ही भूलना भटकना आपके मेरे स्वभाव में है। तो ये जो चार अक्षर का जो ये नाम है, प्राय करके क्या समझा जाता है कि एक आचार्य का नाम है? प्राय करके ये समझा जाता है कि किसी एक संप्रदाय विशेष की ये उपासना है, उस उपासना की ये परिपाटी है। पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। वृंदावन की इस नित्य निकुंज की सीमा में जो प्रिया प्रीतम क्रीड़ा करते हैं, वो किसी संप्रदाय या किसी वर्ग विशेष के आराध्य नहीं है। प्रेम प्राणी मात्र का आराध्य तत्व है, प्रेम प्राणी मात्र का उपास्य तत्व है, प्रेम प्राणी मात्र का प्राप्तव्य है, गंतव्य है, मंतव्य है सबका। जड़ चेतन स्थावर जंगम। जीव विश्राम पाएगा तो प्रेम में ही तो पाएगा, प्रेम से ही तो पाएगा। लेकिन एक बात सदा स्मरण रखिएगा, आप किसी की शरण में गए, आपने अपने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया किसी को, लेकिन अगर वो शरण्य जिसकी शरण में आप गए हैं, अगर वो शरण्य समर्थ नहीं है, अगर वो सामर्थ्यशाली नहीं है, तो आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। आपकी वो अत्यंत उत्कृष्ट समर्पण की भावना दूषित हो जाएगी, कलुषित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये प्रेम रूपी उत्कृष्ट भाव, जिस पर आपका मेरा सबका सहज अधिकार है। मैं तो सदा कहता हूं कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, कुटिल से कुटिल, पापी से पापी, दुरात्मा से दुरात्मा व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो प्रेम के बिना रह सकता। जीवन को गतिमान करता है केवल प्रेम। जीवन को, आपकी चेतना को गति देता है प्रेम। सब 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 जीव का जो विशुद्ध स्वरूप है प्रेम ही है। श्री ठाकुर जी कह रहे, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो वो जीव का निज सहज स्वरूप क्या है? कि जो प्रेम में प्रतिष्ठित हो जाए, प्रीति सहज हो जाए। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने। अतिशय प्रिय लगता है मुझे ये शब्द सहज स्नेह। जैसे प्रिया का प्रियतम में, प्रियतम का प्रिया में, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारो। ये सहज स्नेह है, ये सहज समर्पण है। समर्पण कैसा हो कि जब आपका प्रेमास्पद आकर आपका कर पकड़कर आपसे कहीं चलने को कहे और आप उससे ये ना पूछे कि कहां जाना है, ऐसा समर्पण। वो आपको चलने के लिए कहे और बस आप चल दें। तो एक विषय में तो सभी सयाने एक मत हैं ही कि जो प्राप्तव्य, जो उत्कृष्ट अवस्था है जीवन की, वो प्रेममय हो जाना है, भावमय हो जाना है।
प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अच्छा, बाप से ही तो बेटा प्रगट होता है, बेटे से थोड़ी बाप होता है। शंकर जी कह रहे हैं किसी की और की बात होती तो उस पर तर्क वितर्क हो सकता था, पर वो कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी ने ये नहीं कहा प्रभु से प्रेम प्रकट होता है, वो कह रहे हैं प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, अन परम पुरुषार्थ अगर है तो वो प्रेम है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका शरण्य समर्थ नहीं है तो आपकी शरणागति निष्फल है। ऐसे अगर आपका प्रेमास्पद प्रेम का उत्तर देने की योग्यता नहीं रखता तो आपका प्रेम निष्फल हो जाएगा, आपका आपकी वो अत्यंत उत्कृष्ट भावना बेकार सी चली जाएगी, निरर्थक चली जाएगी। और विचार करो, दूर तक घूम कर देखो, क्या श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त कोई ऐसा है जिसे प्रेम का उत्तर देना आता हो? कोई ऐसा है? औगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। औगुण करे समुद्र सम, यही देखकर तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं प्रभु मोसो ना बिगारवे को और तोसो ना संवारवे को। जीव समुद्र के समान अवगुण करता है। एक बार किसी ने पूछा ठाकुर जी से, बोले आप भक्त का इतना पक्षपात क्यों करते हैं कि आप उसका कोई दोष देखते ही नहीं? तो श्री ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले ऐसा नहीं कि हम दोष देखते नहीं, हमें दोष दिखता नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम दोष देखते नहीं, हम तो खूब देखना चाहते हैं, हम तो खूब देखना चाहते हैं जीव का दोष, पर हम क्या करें, हमें दोष दिखता ही नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। एक बार अंधेरे ने जाके भगवान से शिकायत की, बोले प्रभु मेरा निर्माण भी तो आपने ही किया है। बोले हाँ। तो बोले ये सूर्य जब आता है तब मुझे नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, खा जाता है, मुझे आहार बना लेता है अपना, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? ठाकुर जी ने कहा बुलाओ सूर्य को। बुलाए, बोले तुम खा जाते हो इसे क्यों? सूर्य ने कहा किसे? बोले इसे। तो देखा तो वहां कोई है नहीं। तो भगवान ने कहा अरे उस अंधेरे को। कौन अंधेरा? कैसा अंधेरा? क्या होता है अंधेरा? मैंने तो कभी देखा नहीं। तो ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी की दृष्टि है, जहां गुणों का अंधकार रहता नहीं, टिकता नहीं। तो ठाकुर जी कहते ऐसा नहीं कि हम दोष देखते नहीं, हमें दोष दिखता नहीं। ये भगवतीय गुण है और उन्हें नहीं देखता, इसीलिए जो देखे उन्हें वो सुहाता नहीं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद्र ना। और साधक को तो इससे इतना सावधान रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि आप देखिए जब नवधा भक्ति का वर्णन प्रभु करते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा। और आठ सोपान पार करने के बाद प्रभु समझाते हैं माता शबरी से कि इस समय भी साधक में एक दोष रह जाता है, उससे उसको नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा, कि स्वप्न में भी दोष ना देख ले किसी का। दीमक की भांति खा जाता है ये आपके 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 अर्जित भाव को, पर दोष दर्शन, और ये जाता नहीं। एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई को।
भगवतीय गुण है। आपको दोष न दिखे किसी का, ये मनुष्य का गुण नहीं है, ये भगवतीय गुण है। भगवान को नहीं दिखता, हमारे ठाकुर जी को नहीं दिखता। और कई कई बार आरोप लगता है उन पर कि बिरद हेतु पुनीत परिहर पावरन पर प्रीत। बोले प्रभु आप अपने विरद की प्रतिष्ठा के लिए हम भजन साधन करने वालों की ओर तो देखते नहीं। शेष महेश दिनेश गणेश दिन रहन रटे फिर ध्यान न पावे। ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। आप कभी नेक झलक भी नहीं दिखाते। बिरद हेतु पुनीत परिहर और पामरन पर प्रीत, ऐसी कवन प्रभु की रीत। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए और मातु की गति दई ताही कृपाल यादव राय। तुलसी बाबा ने तो पूछ लिया, बोले पूतना को जशोदा मैया की गति देते हो तो मैया को क्या दोगे? अब दोनों को एक सी दोगे तो अन्याय हो जाएगा, मैया को क्या दोगे? तो ठाकुर जी कहले बोले अरे हम मैया को गति देने वाले कौन है? हम मैया को गति देने वाले कौन है? मैया हमारी गति निश्चित करती, जब चाहे तब बांध देती। और जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, मां यशोदा के भय से उनको अश्रु बिंदु दृग ढरते देखा। लाला भूला नहीं वो झांकी जब एक हाथ ऊंची चौखट लांगने को मैया कहती थी पर कन्हैया लांग नहीं पाते थे। और नारद जी उपहास करते हुए अपने वीणा के स्वरों में झनकार करते थे, छिति नापी त्रिपाद करुणा में बलि छल दियो पता देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद दुआ। बोले हां हम मैया को क्या गति देंगे? मैया गति देती है हमें, मैया उंगली पकड़कर चलना सिखाती है हमें। यहां तो मैया ने हमें गतिमान होने योग्य बनाया है। मैया के चरणों में झुके रहना, मैया के प्रेम का सदा ऋणी रहना और अनंत काल तक देवताओं जितनी आयु पाके भी इन ब्रजवासियों के प्रेम का सदा ऋणी बने रहना, बस यही दे सकते हैं हम इन्हें, और क्या देंगे? तो ऐसा प्रेमास्पद आप कहां से ढूंढ कर लाएंगे? इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमो तेनर छाड़े मूढ़मती खोज फिरे कछु। तो प्रेम तभी सफल है, प्रेम तभी सार्थक है जब प्रेमास्पद प्रेम के अनुकूल हो, अनुरूप हो। और आज समझ लो या कभी जीवन के किसी मोड़ पर यह बात आपकी मन बुद्धि स्वीकार कर ले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। और एक और बड़ा सुंदर गुण इनका, वैसे तो एक से एक सुंदर सद्गुण है पर जो भक्तों को बड़ा प्रिय है। देखो संसार में किसी से प्रेम करो तो उत्तर दे भी दे, नहीं भी दे, आधा अधूरा दे दे। और क्या है ना, किसी से आसक्त हो जाए मन, फिर तो गुलाम फरीद जहां नैन लगे वहां क्या गोरी क्या काली। जाको है जासो मन मान्यो सो है ताके हाथ बिकान्यो, यही आसक्ति है। प्रीत न काहू कि कान बिचारे। तो संसार में हो जाए किसी से आसक्ति तो वह आपके अनुकूल अनुरूप उत्तर दे न दे, आधा दे पूर्ण पूरा दे, कहा नहीं जा सकता। वस्तु से प्रेम हो जाए तो और दुर्दशा है, वस्तु तो प्रेम का उत्तर देना जानती ही नहीं, वो तो दे ही नहीं पाती। और एक ये है यहां कौन आता है इनसे प्रेम करने? प्रेम तो वृंदावन आने पर होता है, वृंदावन आने से पहले थोड़ी प्रेम हो जाता है। यहां तो कोई प्रेम करने नहीं आता, यहां तो अपने हृदय में अपने मन चित्त में सब संसार के संकल्प विकल्प से भरे आते हैं।
ये तो इन प्रेम प्रभु की कृपा है, ये तो इस प्रेम देव का अकारण अनुग्रह है कि ये किसी ना किसी चित्त को अपने अनुकूल जानकर, रस खान क्या इनसे प्रेम करने आए थे? संसार के एक एक युवक के प्रेम में आसक्त रस खान, वो कोई इनसे प्रेम करने आए थे? प्रिय लगा इन्हें हृदय, चुन लिया, अपना कर लिया, रस खान रस की खान हो गए। ऐसा प्रेमास्पद आपको ढूंढने मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य है, महाप्रभु कह रहे वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः, भोले भाले मन से आइए, भोला मन, बस उसी मन से आकर यहां वृंदावन का सेवन करिए। प्रिया जी के चरण कमल कैसे हैं? हरि मानस मंदिर मध्य बसे, बस होत हैं सुधे सुभाइन में, रे मन रहे चित चाइन सो वृषभान कुमारी के पाइन में। और याद रखना, मन को भी याद दिलाते रहना, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा हमारे नागरी दास जी ने एक पद लिखा, कहते हैं बिलसिए खसम को कमायो, मतलब तुमको आके यहां कमाना नहीं है, यहां तो रसिकों ने कमाकर धन छोड़ दिया है, आपको तो केवल उसका उपभोग करना है, आपको तो केवल आनंद लेना है, तो बिलसिए खसम को कमायो। अब या तो आप भी कमाई बिलस लो, लेकिन आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना हो, आपको खूब पोथी छांटनी हो, शास्त्र आदि पढ़ने हो, तो उसके लिए भी आपको छुट्टी है। पर हमारी बात मानोगे तो हम तो यही कहेंगे, एक पंक्ति याद आ रही है, आप बोलो तो मैं गा दूं, जग घूमे आथर जैसा न कोई, जग घूमे आथर जैसा न कोई, जग घूमे आथर जग घूमे आ। ऐसी ऐसी चितवन, ऐसी हसन, ऐसी बोलन, ऐसी मुस्कन, ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव, ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप, कहीं चले जाइए, तीन लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुवना, जगमग रहो जड़ाव सो एक वृंदावन में। और तो मुझे आता नहीं, तुम्हें आता है? तुम तो किसी को नहीं आता। अखियां रुमानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं ना वो अखियां नूरानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं ना वो रंगली अदाएं देखी ना वो सजरी जवानी कहीं ना वो रंगली अदाएं देखी ना वो सजरी जवानी कहीं जैसा तू है वैसा कोई ना जग घूमे आथर जैसा न कोई जग घूमे आथर जैसा जग घूमे आथर जैसा न कोई जग घूमे आथर जैसा न
ऐसा नहीं है कि मैं बिना घूमे कह रहा हूं। अरे हमारी मेहनत से आप लाभ लो, आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मान लीजिए कि होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वंशी ने जिस प्रेम की प्रतिष्ठा कर दी है इस वृंदारण्य की निकुंज सीमा में, देखो आचार्य की वाणी पे भरोसा हो जाए, आचार्य के विचार पे विश्वास हो जाए, आचार्य के सिद्धांत में निष्ठा हो जाए, तो वस्तु को प्रत्यक्ष होने में एक क्षण का भी विलंब नहीं है। महाप्रभु का वाक्य है, ये वृंदावन मात्र गोचरम हो न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुं क्षमते न यच्छिव शुकादीनां तु यद्ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद् रूपं परिवेष्टुमेव नयनं लोलायमानं मम। छबीली वृंदावन की वेल, जय 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 और राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, छाह तर करे जुगल रस के, जय 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 मंद मुस्कात हंस भुज में, रसिक दे कोटि मुक्ति पग पे, तो हा र व और स ये चार बीज मंत्र हैं। नित्य विहार इसी चतुष्टय से संपन्न होता है और हृदय कंज जहां नाम मकरंद, जिस हृदय रूपी कमल में ये नाम रूपी मकरंद है, हृदय कंज जहां नाम मकरंद मधुकर तहां जुगल अलिवृंद। आपको कहीं श्री सेवक जी महाराज ने क्या किया, केवल इसी नाम का ही तो आश्रय लिया, बिना जाने बिना पहचाने बिना सुने समझे बूझे नाम की कृपा हुई। और नाम की भी कृपा क्या कहिए, प्रथम रसिकन कृपा करी, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो। सोधन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना। कोई शब्द कोई भाव तो है नहीं मेरे पास, इन संतों की कृपा का वंदन अभिनंदन करने के लिए। जो पाया है इन्हीं के चरण रेणु का सेवन करके पाया है, साधु चरण रज माज व्यास से कोटिक पतित समा, इन्हीं के चरणों की रेणु से निस्तार हुआ है, आशा जगी है आशा लगी है
कि भव का रोग छूट जाएगा। इन्होंने सुनार की धोकनी की तरह चलती सांस को विगलित प्राणों का अर्घ बनाने की कला सिखाई है। जो प्रियतम के प्रेम देव के चरणों में निवेदन किया जा सके, कभी उनकी प्रसन्नता प्राप्त की जा सके, उनकी वो सहज कृपा दृष्टि मिल जाए और ये भव का रोग छूट जाए, ये कर्म का बंधन टूट जाए। जब यहां आए थे तो सुनते थे कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना रस रानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, वृंदावन तिनको मिले रजधानी। और यहां खाने को मिले रसिकों की टूक, और पीने को जमुना का पानी, अब और कोई परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। श्री जी ने कृपा की, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, छोटा मुंह बड़ी बात है, पर फिर भी आपसे कहता हूं, वृंदावन की कृपा का बल लेकर कहता हूं, आप परिश्रम ना करिए, आप हमारे अनुभव से लाभ ले लीजिए। जब से आए श्री जी ने कृपा की और हमको खाने को मिले इन रसिकों के टूक, और कोई किसी ऐसे अद्भुत प्रेम और भाव से सने वो टूक होते हैं जो हृदय में भीतर जाकर न केवल हृदय के कलुष को धोते हैं